ब्लड बैंक में प्लाज्मा को लेकर शुक्रवार को हंगामा हो गया। दरअसल एक ब्लड बैंक में प्लाज्मा की एक बोतल के 14,000 रुपए ले जा रहे थे, लेकिन रसीद 10,000 रुपए की थमा दी गई। 4,000 रुपए का रसीद में कोई हिसाब किताब नहीं है। जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो ब्लड बैंक की ओर से कहा गया कि 4,000 रुपए की पर्ची नहीं दी जाएगी, जिसके बाद हंगामे की स्थिति भी बन गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इस तरह के मामले को लेकर पहले भी कई तरह की शिकायतें हैं। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युवा सेना के सदस्यों ने ब्लड बैंक के सामने अर्धनग्न होकर धरना किया। इस दौरान हितेश यादव, नागपुर जिला युवा अधिकारी संदीप प्रियाल पटेल, जिला समन्वयक और धीरज पांडी, जिला सचिव मौजूद रहे। मामला बढ़ता देख बर्डी पुलिस भी मौके पर पहुंची। अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे युवा सेना के पदाधिकारियों को पुलिस उठाकर थाने में ले गई। इसके बाद देर रात को पुलिस ने रिहा कर दिया। ये लाइफलाइन ब्लड बैंक जो है, ये लोगों से 14,000 रुपए लेती है और 10,000 के लिए रिसिप्ट देती है। खुद मेरे चाचा है योगेश यादव, उनके साथ वो कोविड में आशा हॉस्पिटल में एडमिट थे। यहाँ पे मैं गया और ब्लड बैंक में उन्होंने मुझसे 14,000 रुपए लिया और 10,000 रुपए का मुझे उन्होंने रिसिप्ट दिया। आज नागपुर शहर में कोविड के कारण ऑक्सीजन का और खून का इतना कमी होने के बाद भी जो लूट चल रही है नागपुर शहर में, ये एक लाइफलाइन ने, ऐसे कई ब्लड बैंक नागपुर शहर में है, उन नागपुर शहर के ब्लड बैंक वाले इस समय भी धंधा कर रहे हैं। और 4,000 अगर तुम उसको रिसिप्ट नहीं दे रहे, कल अगर वो पेशेंट मर गया या उसको कुछ हो गया तो 4,000 तो गए ना। ऐसे 4,000 डेढ़ साल से उन्होंने कितने लोगों के साथ में लिए होंगे। किसी को एक प्लाज्मा लगता है, किसी को दो प्लाज्मा लगता है, किसी को चार। एक सक्सेना करके एक व्यक्ति थे, उनके भाई एक्सपायर्ड हो गए, उनको 5 प्लाज्मा लगा। उसका बिल 14,000 रुपये के हिसाब से 70,000 होता है, पर उसको रिसिप्ट सिर्फ 50,000 रुपये के दिए और 20,000 की रिसिप्ट नहीं दिए। तो हमने वहाँ पर गए और उनसे बात किया कि बा ऐसा ऐसा क्यों, ये आप 20,000 की रिसिप्ट क्यों नहीं देते। तो सर बोले जब तक के वो हमको प्लाज्मा नहीं देंगे तब तक हम पैसा नहीं देंगे, इसलिए हम डिपॉजिट कराते हैं। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, मतलब टोटली लाइफलाइन वाला और बाकी लोग 420 कर रहे हैं ना, ये तो 420 का इस मामला है ना। और उसके बाद हमने वहाँ पर आंदोलन किया, हमने कपड़े निकाले, मैं संदीप पटेल और धीरज फंदी जी ने, हमने कपड़ा लगा निकाल के वहाँ पर बैठा। उसके बाद हमको पुलिस वाले आए और हमको अटक किए, उन्होंने गलत बात की और हमको अटक किए। और अभी हमने भी उनके खिलाफ़ में वो की तकरार की है और हमको 150 का नोटिस दे के, अब हम लोगों को 150 का नोटिस दे के हमको रिहा किया है। अभी कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक मानसी की रिपोर्ट।